चलिए हम विश्व के कुछ इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इस लेक्चर में। पहला है हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो मेन कैंप है। अमेरिका के मूल निवासियों को बोला जाता है रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्व स्वतंत्रता कब मिली थी, 1976 में मिली। अमेरिका ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1808 में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता बोला जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। आधुनिक रूस का निर्माता बोला जाता है स्टालिन को। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र रहा, फ्लोरेंस। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक है क्रॉस क्रॉस। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है, ईसा मसीह। एशिया का मरीज बोला जाता है चीन को। चीन को कानून की आत्मा के रचनाकार हैं मॉन्टेस्क्यू। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, तो जर्मनी का। चीन का राष्ट्रपति राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, सन्यात सेन को। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, पीली नदी घाटी की सभ्यता। चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन है, हैंग बिग था, हैंग बिग। चीनी क्रांति का नेता कौन था, तो सन्यात सेन। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। जापान को किस नाम से संबोधित किया गया जाता है, तो प्रेत आतंक। जापान ने रूस को कब हराया, तो 1905 में। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की, तो सुहितो। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है, दांते की। तुर्की धर्म निरपेक्ष राज्य कब बना, तो 1924 में। तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1925 में, 26 दिसंबर। द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है, माइकल एंजेलो। दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन नगरों पर बम गिराया गया था, हिरोशिमा नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1939 से 45 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया गया था, तो रूस को। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग, जर्मनी को। नाजीवाद का जनक है हिटलर। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने की है 1920 में। नाजीवाद का उदय हुआ था जर्मनी में। नेपोलियन का के पतन का क्या कारण था, तो रूस पर आक्रमण। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था, हेलेना दो द्वीप पर। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, 1804 में। पक्की सड़क बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई, तो स्कॉटलैंड। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी, तो चीन ने। पुनर्जागरण की बौद्धिक अर्थ क्या है, आंदोलन। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था, तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, जियाटो। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया, अब्राहम लिंकन। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है, कुरान में। पैगंबर की उत्तर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है, खलीफा। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था, मदीना में। फौसेज का उदय कहाँ हुआ, इटली में। फौसिन का जनक बोला जाता है मोसिलिन को, लीनी को। फांसीवाद विचारधारा का संस्थापक था मोसोलिनी। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई, एक सौ सॉरी फ्रांस की क्रांति हुई थी 1700 कुछ में, लास्ट में बता देंगे। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में किसी व्यवस्था थी, सामंती। ठीक, अगला है हमारा फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व में फ्रांस में कौन कैसी व्यवस्था थी, सामंती। सामंती थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है सेंट साइमन को। अगला है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, 1917 सत्रह में रूस में। मदर किसकी रचना है, मैक्सिम गोरकी। माइकल एंजेलो कौन थे, तो मूर्तिकार एवं चित्रकार थे।
आपको बता दें, यहाँ फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक है। ये चली थी, डेट है इसकी 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799, ठीक है। इसकी मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? तो फराओ। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट खुफू ने गीजा में। मेसोपोटामिया में देव मंदिर का को क्या कहा जाता है? जिगुरत। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो इराक। मैग्ना कार्टा क्या है? सर्वसाधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र। मोना लिसा किस चित्रकार की कृति है? तो लियोनार्डो दा विंसी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? तो इटली से। रूस का अंतिम जार कौन है? नेकोलस द्वितीय। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। रूस में नई आर्थिक नीति लागू हुई लेनिन के समय 1921 में। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? लेखानेव। रेशम उद्योग को सर्वप्रथम शुरुआत हुई चीन में। लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना की थी वॉल्ट एयर। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो नेपोलियन और मिस्र राष्ट्रों के बीच 1815 में। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक है कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति के नेता थे लेनिन। सबसे पहले धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई थी अमेरिका में। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था मैगलन। मैगलन सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? तो फ्रांस में। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में। 100 चूहों की अपेक्षा एक चिन्ह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वाल्टेयर। 100 सौर पंचांग किस देश की देन है? मिस। हजरत मोहम्मद का बचपन का नाम था अमीन। 24 सितंबर 662 को 1662 662 को हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संबत या मुस्लिम संबत। चलिए दोस्तों, लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।